एसबीआई सीएसपी के लिए ये वीडियो है और सुबह से ग्रुप पर मैसेज देख रहा हूँ कि एसबीआई सीएसपी का माइक्रो एटीएम काम नहीं कर रहा है। तो चलिए अभी मैं सुबह आके आईडी को लॉगिन किया और माइक्रो एटीएम पर ट्रांजेक्शन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, ट्राई करके देखूंगा कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। लाल कलर से एक लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि न्यू वर्जन आप यूज कीजिए, न्यू वर्जन चाहिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे पोस्ट मशीन में अभी प्रोसेसिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, तो आई होप जो लाल कलर सा प्रॉब्लम है वो आना नहीं चाहिए मेरे यहाँ पे। तो देखिए मेरे सामने कार्ट एथेंटिकेशन का जगह आ गया, यानी कि मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो जिनके पास ये एरर आ रहा है कि नया वर्जन उनको चाहिए माइक्रो एटीएम का, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ आपका जो माइक्रो एटीएम का सॉफ्टवेयर है वो पुराना सॉफ्टवेयर है, आपने पुराने वाले सॉफ्टवेयर अभी तक यूज कर रहे थे। तो इसके लिए आपके सामने आया कि नया वर्जन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, नया वर्जन आपको यूज करना है। जैसे कि मैं हमेशा सभी चीजों को नया वर्जन में ही इंस्टॉल करके रखता हूँ, नया वर्जन यूज करता हूँ, तो इसीलिए मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं आया। हो सकता है बहुत सारे सीएसपी के पास ये प्रॉब्लम नहीं आया होगा, कुछ कुछ चुनिंदा सीएसपी को प्रॉब्लम आया होगा कि नया वर्जन को यूज करने के लिए बोल रहा है। तो यदि आपके पास ऐसे आ रहा है मैसेज लाल कलर सा कि नया वर्जन आप यूज कीजिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको रिपोर्ट पे चले जाना है। रिपोर्ट पे जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखेगा माइक्रो एटीएम का ऑप्शन। देखिए माइक्रो एटीएम यहाँ पे ऑप्शन रहता है और डाउनलोड ऑप्शन रहता है, एपीएस ऑप्शन रहता है, सीसीपीएम रहता है। तो जो डाउनलोड फाइल है, डाउनलोड फाइल के जगह पे हमें जाना है। डाउनलोड फाइल पे जाने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर दिखेगा, न्यू L1 ड्राइवर, पासबुक प्रिंटिंग ड्राइवर, APS डाउनलोड, PMJZBY, बेरीफोन, इग्निको, सब यहाँ से हमें मिल जाता है। तो जो पोस्ट मशीन आपके पास है उसी नाम का आपको जो है ड्राइवर डाउनलोड करना है। हो सकता है आपके पास बेरीफोन होगा या हो सकता है इग्निको होगा। तो जैसे कि मेरे पास इग्निको है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए DLL ड्राइवर लिखा हुआ है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने DLL के ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड फाइल। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलता है, एक DLL फाइल और एक मिलता है DLL एंड इंस्टॉलेशन जो है मिलता है। तो नीचे वाला हमारे पास, तो नीचे वाले पे हम क्लिक करेंगे DLL एंड ड्राइवर फॉर इंस्टॉलेशन, इस पर क्लिक करके हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जिप फाइल में आएगा। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, ये जिप फाइल में जब आएगा इसको हम कन्वर्ट करके जिप फाइल से नॉर्मल फाइल में हमें करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट करके हम जिस इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो नया वर्जन है लेटेस्ट वर्जन हमारे पास हो जाएगा और माइक्रो एटीएम का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद में आपके सामने इस तरीके आएगा। आने के बाद आपको फोल्डर वाला आइकन पर क्लिक करना है, जब फोल्डर वाला आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जिप फाइल दिखेगा। इस जिप फाइल को आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने आ सकता है एस्ट्रिक ऑल या एस्ट्रिक हियर, किसी एक पे आप क्लिक कीजिए। एस्ट्रिक ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कन्वर्ट होने का, एस्ट्रिक होने का मैसेज आएगा, इस पर हमें एस्ट्रिक करना है। करने के बाद हमारे सामने नॉर्मल फोल्डर में खोल के बदल के यहाँ पे सामने आ जाएगा, एस्ट्रिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो वर्जन है 3.12 है, 3.12 पे हमें डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखेगा, सेटअप दिखेगा, जिस पर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही हमारे सामने आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन ऐसा ऑप्शन आएगा, हमें यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद हमारे सामने इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, हमें कुछ ओके ओके करना है और हमारा जो सॉफ्टवेयर है माइक्रो एटीएम का नया वाला वर्जन वो इंस्टॉल हो जाएगा, बस काम खत्म। उसके बाद में आप अपना आईडी को लॉगआउट कीजिए, लॉगआउट करके दोबारा लॉग इन कीजिए एंड देन ट्राई कीजिए, तो आपका जो वर्जन का प्रॉब्लम था वो दूर हो जाएगा, आपका जो माइक्रो एटीएम है वो अच्छे से काम करेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप इतना तक वीडियो देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गए होंगे, तो आप कुछ इस तरीके से इंस्टॉल भी कर लिए होंगे। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, आपका प्रॉब्लम दूर हो गया, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें और साथ साथ लाइक भी करें और ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता लगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, इसी तरह हमेशा एसबीएस सीरीज पे वीडियो चैनल पर बनते हैं, तो आपसे विनती करता हूँ हमारे चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। तो मिलता है आपके साथ अगले वीडियो में, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।